नमस्कार, मैं कपिल मोहन सूद एवं मेरे सहयोगी श्री गजराज सिंह चंडीगढ़ शिक्षा विभाग से आज परिमाप विषय पर एक प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष रखेंगे। परिमाप किसी आकृति के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में इन तीनों आकृतियों के लाल रंग से घेरे को हम परिमाप कहते हैं। ये लाल रंग से अंकित जो आप इनका घेरा देख रहे हैं, यही इन आकृतियों का परिमाप है। आइए इसी को हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मेरे दो दोस्तों से मिलिए। यह है मिकी और यह है चिकी। एक दिन मिकी और चिकी एक खेत में घूमने गए। तुम्हें क्या लगता है इस खेत का क्या परिमाप होगा? मुझे लगता है 50 मीटर होगा। आइए देखते हैं कि क्या चिकी का उत्तर सही है। इस खेत का परिमाप देखने के लिए आपको इस खेत के आसपास एक चक्कर लगाना होगा। अभी मिकी और चिकी ने जो खेत की लंबाई की दूरी तय की है वो है 35 मीटर। अब ये जो दूरी तय कर रहे हैं ये है 50 मीटर। 35 मीटर के सामने वाली भुजा, क्योंकि ये आयत है इसलिए वो भी 35 मीटर ही होगी, और अंत में जो चौथी भुजा है वो होगी 50 मीटर। इन सभी भुजाओं का यदि योग करें तो आ जाता है 170 मीटर। इसका मतलब इस खेत का परिमाप है 170 मीटर। अब मैं अपने सहयोगी श्री गजराज सर से निवेदन करूंगा कि वो एक त्रिभुज का परिमाप हमें निकाल कर बताएं। जैसा कि अभी आपने सुना कि किसी भी आकृति का हम परिमाप निकालते हैं उसकी भुजाओं की लंबाइयों से, तो हम इस त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे अभी, जिसकी भुजाएं क्रम से हैं बी सी भुजा जिसे हमने मापा, और ये हमारे पास 23 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार बी ए भुजा हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, और भुजा ए सी 30 सेंटीमीटर है। तो हम इन तीनों भुजाओं का योग करेंगे भुजा बी सी 23 सेंटीमीटर, भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर, और भुजा ए सी 30 सेंटीमीटर। इन सभी का योग हमें इस त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप देगा जो कि है 77 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्या सीखा? किसी आकृति के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। एक बार पुनः बोलता हूँ, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं।